Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay. So सबसे पहले सेंटेंस ट्रांसलेशन कर लेते हैं 5-6, उसके बाद हम टेंसेस करेंगे, ठीक है? Just a second. कल किसी को कोई प्रॉब्लम था, कुछ पूछना था ग्रुप डिस्कशन रिलेटेड? Anyone wants to ask something related to yesterday's class? No response. किसी को कुछ पूछना नहीं है कल जो भी डिस्कशन चल रहा था उससे रिलेटेड? नो मैम. ओके, आपका टेंसेस अभी जो चलेगा वो इंग्लिश में चलेगा, ठीक है? एंड रिवीजन के पर्पस के लिए आपका एक हिंदी सेशन भी होगा टेंसेस रिलेटेड. सिर्फ टेंसेस के लिए ये करूंगी मैं, ठीक है? कि मैं उसको हिंदी में भी आपको, ये इंग्लिश में कंप्लीट होने के बाद उसको हिंदी में भी समझाया जाएगा आपको, ताकि क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है? उसके अलावा ये बेस्ट होगा, मतलब इंग्लिश में भी समझ में. जी, तो अभी आप इंग्लिश में समझ लोगे, फिर उसका हिंदी में भी मैं उसको एक क्लास उसके लिए डेडिकेट करूंगी. देन उसके अलावा आपका क्या होगा, सेंटेंस ट्रांसलेशन. अभी जस्ट अ सेकंड मैं स्टार्ट करती हूँ 5-6 सेंटेंस ट्रांसलेशन. जस्ट गिव मी 1 मिनट. Okay. क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है? Just a second, let me go. क्वेश्चन है, मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ. एनीवन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएं क्या होगा? मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ. आई एम वाटरिंग द प्लांट. हाँ, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट है आपका, हमें आपा नहीं खोना चाहिए. हमें आपा नहीं खोना चाहिए. We don't have to cross our limits. नहीं. आपा मीन्स क्या है? एक तरह से गुस्सा होता है, राइट? आपा नहीं, या टेम्पर, ऐसा कुछ. हमें आपा नहीं होना चाहिए. We don't lose my temper. हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, या हमें आपा नहीं खोना चाहिए, ठीक है? चाहिए मीन्स थोड़ा बहुत, वो मीन्स हमेशा के लिए एक तरह से बात हो रहा है, मतलब ज्यादातर, ऑलमोस्ट, या फ्यूचरिस्टिक बातें हो रही है यहाँ पे एक तरीके से, कि अभी आपने अपना आपा खोला, लेकिन अब कभी आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए, तो थोड़ा यहाँ पे शुडंट लग गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मेहमानों की खातिरदारी करो। सेंटेंस ट्रांसलेशन में रिस्पेक्ट द गेस्ट। व्हाट क्या कहा? रिस्पेक्ट द गेस्ट। ओके, और कोई? मेहमानों की खातिरदारी करो, गेस्ट की खातिरदारी करो। एनीवन एल्स? लुक आफ्टर द गेस्ट, ठीक है। गेस्ट की खातिरदारी करो या मेहमानों की खातिरदारी करो अगर है तो लुक आफ्टर द गेस्ट, लुक आफ्टर योर कस्टमर, अपने कस्टमर की खातिरदारी करो, लुक आफ्टर द कस्टमर्स, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, ओके, ठीक है। अतिथि देवो भव में, अतिथि देवो भव, इसका मीन्स आप ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं? यस मैम। अतिथि मीन्स गेस्ट होते हैं, देव मीन्स भगवान यानी गॉड, राइट। तो यहाँ पे अतिथि जो है भगवान के समान है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, गेस्ट इज गॉड, ओके, ठीक है, यस मैम, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां जाना ठीक नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं है। ऋषिकेश, वहां जाना ठीक नहीं है। वहाँ का ट्रांसलेशन क्या होगा? वहाँ जाना, देयर, देयर मीन्स गोइंग देयर हो गया, जाना ठीक नहीं है का क्या होगा ट्रांसलेशन? नॉट गुड, नॉट गुड भी कह सकते हैं, या फिर इट इज नॉट वर्थवाइल गोइंग देयर, ठीक है, इट इज नॉट वर्थवाइल गोइंग देयर, ठीक है। वर्थवाइल मीन्स एक तरीके से इम्पोर्टेंट, ठीक है। वर्दी तो सुना होगा आप लोगों ने, वर्दी वर्ड का मतलब, यू आर वर्दी, यू ऑल आर माई वर्दी स्टूडेंट्स, राइट, मीन्स इम्पोर्टेंट स्टूडेंट। फॉर यू कम्युनिकेशन इज वर्दी फॉर ऑल, वर्दी मैम जी इंग्लिश शब्द है क्या वर्दी? हाँ, WORTHY वर्दी, ओके। नहीं, वर्दी का मतलब पुलिस भी पहनते हैं ना वर्दी, वर्दी 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 वर्दी, ओके, WORTHY। जस्ट अ सेकंड, वर्दी वर्दी, जैसे आर थोड़ा बहुत साइलेंट हो सकता है इसमें, ठीक है। ठीक है, तो वर्दी मतलब क्लियर हो गया, उसका मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट या जिसको महत्व देना चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण, ये चीज समझ में आया सबको। सो वहां जाना ठीक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट गोइंग देयर, ओके, इट इज नॉट यूजफुल गोइंग देयर, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेहोश हो गया है, वो बेहोश हो गया है। सुनील, ही इज अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया है, मीन्स वो मीन्स ही हो गया, बेहोश मीन्स अनकॉन्शियस, ही इज अनकॉन्शियस, इज नहीं होगा, हैज बिकम, ठीक है, हैज बिकम होगा यहाँ पे, ही हैज होगा ना मैम, हो गया है, हैज होगा, हैज बिकम, ठीक है। अभी टेंसेस आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी और आएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और, देन हम टेंस स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमारे बीच बातचीत नहीं है, हमारे बीच बातचीत नहीं है, हमारे we don't talk to each other, ठीक है, talk to each other या फिर we are not in speaking terms, okay? हमारे बीच बातचीत नहीं है, we are not in speaking terms या फिर we don't talk to each other, ठीक है। चलिए नाउ टेंसेस स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल अभी हम इंग्लिश में समझेंगे, देन आपको हिंदी में भी मैं नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें समझा दूंगी। थोड़ा लेंदी है, ओके, इट्स लेंदी, सो 2 से 3 दिन जाएगा आपका टेंसेस में, ठीक है। नाउ टेंसेस क्या है, व्हाट इज टेंस, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट? टेंस आपका क्या फॉर्म ऑफ वर्ब है? यस मैम। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? Is my screen visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. So, tense क्या है? अभी मैंने बताया tense क्या है आपका? Form of verb है, right? Tense आपका क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है या वर्ब मेथड है, जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, रेफर करते हैं टाइम, जो कि पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। नाउ आपका एक्शन पास्ट में हुआ होगा, प्रेजेंट में हुआ होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है। आपके मेजर 3 टेंसेस है, ये तो सबको पता है। नाउ आपका जो देखा जाए तो फ्यूचर टेंस को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे विल का बता रहे हैं यहाँ पे, विल जो है आपका क्या है, वो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके। एंड ये हम इसका यूज करते हैं फ्यूचर टेंस डिनोट करने के लिए, राइट, कि ये फ्यूचर टेंस है, विल होगा तो फ्यूचर टेंस है, राइट। बट ये फ्यूचर टेंस समटाइम्स हम इनको बोलते हैं कि ये क्या है, मॉडल टेंस है। टेक्निकलिटी से बचने के लिए हमने क्या किया है कि इसको बोल दिया कि आपका जो टेंस है वो 3 पार्ट में है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट है, ठीक है। नाउ ये चीज़ें हो गई। उसके बाद 4 वेरिएशंस है तीनों टेंसेस के। एक सिंपल टेंस है, ओके, एक कॉन्टिन्यूस टेंस है या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। देन आपका है परफेक्ट टेंस एंड लास्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नाउ सिंपल टेंस आपका कब होगा? सिंपल टेंस तब हम यूज करते हैं जब हमें क्या शो करना होता है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक किसका, पीपल का या फिर इवेंट का, या फिर जो चीज रेगुलरली या हैबिचुअली हो रही है, ठीक है, उसको कहेंगे सिंपल टेंस। या सिंगल कंप्लीटेड एक्शन होगा तो आपका क्या होगा, सिंपल टेंस होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा एक्सप्रेस क्या करते हैं, जो एक्शन प्रोग्रेस में होता है, ओके, उस टाइम फ्रेमवर्क में जो भी एक्शन आपका प्रोग्रेस में होगा वो आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस वहाँ पे यूज होगा। जो वर्ब होगा वो आपका किस में होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। नाउ वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, मीन्स यहाँ टाइम फ्रेमवर्क कौन सा होगा, टाइम फ्रेमवर्क या तो प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट होगा। नाउ परफेक्ट टेंस क्या होगा, जब आपका एक्शन या सिचुएशन जो प्रेजेंट में है वो लिंक किससे है, किसी मोमेंट इन द पास्ट से लिंक है, ओके। इट इज ऑफन यूज टू शो थिंग्स दैट हैव हैपेंड अप टू नाउ बट आरंट फिनिश दैट, मीन्स चीज़ें अभी तक हुई हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं, ओके। और एम्फसाइज दैट समथिंग हैपेंड बट इज नॉट ट्रू एनी मोर व्हेन दे एंड डिटरमाइंस विच ऑफ देम यू यूज, ओके। ये इतना इम्पोर्टेंट, बस आप ये समझ लो कि आपका परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब चीज़ें जो है प्रेजेंट वाली क्या है, लिंक होती है आपके किसी मोमेंट इन द पास्ट से, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसा इवेंट जो कि चल रहा था अभी तक एंड मीन्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, एट टू बी फिनिश्ड। देन आपका क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो डिनोट करता है कि ऑन गोइंग एक्शन होगा, ओके वो स्टार्ट और एंड होगा पास्ट में या फिर स्टार्ट होगा पास्ट में और कंटिन्यू होगा प्रेजेंट में, ठीक है। इस तरीके से आपका टोटल कितने टेंसेस होंगे, 4 3 जा 12, राइट, 4 वेरिएशंस है और 3 टेंसेस है, राइट, तो 4 3 जा 12 टोटल 12 टेंसेस है। तो 12 टेंसेस कौन कौन से हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो डिनोट करता है प्रेजेंट परमानेंट सिचुएशंस की, राइट। जस्ट अ सेकेंड, अभी तक ये चीजें क्लियर हुई सबको, वेरिएशंस कि कैसे पता चलेगा, ये चीज क्लियर हुआ सबको। वेरिएशंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल टेंस की बात हो रही है। सिंपल टेंस का मतलब क्या होगा, जब वो चीजें क्या शो करेगा, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है, या जो चीजें रेगुलरली हो रही है, हैबिचुअली हो रही है, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, वो प्रोग्रेस में होगी, ठीक है, एक्शन जब प्रोग्रेस में होगी। परफेक्ट टेंस क्या होगा, जब आपका प्रेजेंट वाला चीज जो एक्शन है वो लिंक होगा पास्ट से, ठीक है। एंड परफेक्ट कब होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब आपका ऑनगोइंग एक्शन वो स्टार्ट और एंड हुआ होगा पास्ट में या फिर स्टार्ट हुआ होगा पास्ट में और कंटिन्यू हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई चारों वेरिएशंस, इज इट क्लियर। Yes, ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ। अभी तक हमने जो भी समझाया कि टेंस क्या होता है, आपका फॉर्म ऑफ वर्ब होता है या मेथड होता है, जो एक्शन बताता है कि किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है या फिर पास्ट में हुआ है। उसके अलावा 3 टेंसेस होते हैं, जिसमें से कि फ्यूचर टेंस को बोला गया कि वो एक तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल उसमें जो यूज होता है वो मॉडल टेंस डिनोट करता है। बट टेक्निकलिटी से बचने के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पे मॉडल टेंस है, ठीक है, ओके। देन इसके अलावा ओके नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या क्या समझेंगे, एक रिपीटेड एक्शंस, फैक्ट या जनरलाइजेशन, शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर, ओके, या नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स रिलेटेड चीज़ें। तो ये अभी आपका क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ठीक है। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस जस्ट अ सेकेंड, Okay. ना हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं? ओके ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम तब करेंगे जब रिपीटेड एक्शन होगा, जब फैक्ट या जनरलाइजेशन होगा, जब शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर होगा, और या फिर जो चीजें अभी हो रही हैं, एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, ओके, या दैट इज नॉट हैपनिंग नाउ। सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रिपीटेड एक्शन होगा उससे रिलेटेड। ओके यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन इज रिपीटेड और यूजुअल। मीन्स एक्शन जो है आपका हैबिचुअल है, हॉबी है, डेली इवेंट है, शेड्यूल्ड इवेंट और समथिंग दैट ऑफन हैपन्स। एग्जाम्पल्स है आपके कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब रिपीटेड एक्शन होगा तब यूज करना है। तो एग्जाम्पल जैसे आई प्ले क्रिकेट, डज ही लाइक टेनिस, ये सब चीज़ें क्या है, रिपीट हो रही है। क्रिकेट वो खेलता होगा, राइट, उसकी हैबिट होगी, हॉबी होगी क्रिकेट खेलने की, राइट। तो आई प्ले क्रिकेट, डज ही लाइक टेनिस, द बस लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, द ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM, ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट, एवरी 12 months द अर्थ सर्कल्स द सन। सो यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको पता है कि ये हैबिचुअल है, अर्थ सर्कल्स द सन। ओके जो भी हैबिचुअल चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगी, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग। नाउ जो हॉबी है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके कोई बस, जैसे एग्जांपल में दिया है द बस लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, मीन्स रेगुलरली बस आती जाती है मॉर्निंग 10 बजे, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। द ट्रेन डज नॉट लीव्स एट 9 AM, मीन्स ये भी रेगुलरली बात हो रही है। ओके जो चीज़ें क्या हो रही हैं, रेगुलर या डेली बेसिस पे हो रही हैं, रिपीटेड एक्शंस जो होंगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किस लिए हम करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम शो कर सकें रिपीटेड एक्शंस को, ओके, डेली इवेंट्स को, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम और कब करते हैं, क्या करने के लिए, फैक्ट वगैरह को। Okay, simple present tense can also indicate the speaker believe that a fact was true before, is true now and will be true in the future. तो fact वगैरह को भी बताने के लिए हम simple present tense का use करते हैं कि जो भी fact है वो पहले भी true थी, आज भी true रहेगी और आने वाले time पे भी true रहेगी, ठीक है। It is not important if the speaker is correct about the fact. Okay, now ये चीज़ें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डॉग्स लाइक्स बोन, डॉग्स लाइक बोन्स, ओके ये चीज़ें क्या है, फैक्ट है। ओके हो सकता है डॉग बोन नहीं भी लाइक करती होगी, राइट। मीन्स स्पीकर को जिस जहाँ पे भी फैक्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी, ओके जहाँ पे जनरलाइजेशन, एक जनरल बात हो रही है, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बर्ड्स डू नॉट लाइक बोन्स, यहाँ पे भी क्या हो रही है, फैक्ट की या जनरलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। डू ह्यूमंस लाइक मिल्क, यहाँ पे भी क्या है, मीन्स आपने ये चीज देखा होगा कि क्या हो रहा है, लाइकिंग्स रिलेटेड मैक्सिमम बात यहाँ पे हो, राइट। डॉग लाइक्स बोन, बर्ड्स डू नॉट लाइक बोन्स, डू ह्यूमंस लाइक बोन्स। तो यहाँ पे स्पीकर अपने आप को ट्रू साबित करने की कोशिश कर रहा है, राइट। जहाँ पे स्पीकर अपने आप को ट्रू साबित करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि हाँ ऐसा होता है, डॉग को बोन पसंद है, बर्ड को बोन नहीं पसंद है, और यहाँ पे इवन वो अपना व्यू जान, मतलब लोगों से अपना ओपिनियन लेने के लिए भी क्या कर रहा है, फैक्ट। एक तरह से जब फैक्ट रिलेटेड चीज़ें होंगी तो आपको क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे ना। फिर कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करेंगे नियर फ्यूचर, अगर आपका इवेंट जो है वो नियर फ्यूचर में हो रहा है। Speaker occasionally use simple present tense to talk about scheduled event in the near future. Okay, this is most commonly done when talking about public transportation, but it can be used with other scheduled event as well. Okay, तो simple present tense का हम और कब यूज करते हैं, जब आपका scheduled event कब होता है, near future में होता है, okay, या express क्या करता है, future action when the futurity is indicated by the constant. जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे द बस अराइव्स टू नाइट एट 8 PM, ओके ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है। द बस डज नॉट अराइव एट 8 AM, इट अराइव्स एट 8 PM। ओके, नियर फ्यूचर की बात हो रही है राइट. जो भी आपका इवेंट हो है वो नियर फ्यूचर में है, आने वाले टाइम पे ऐसा हो रहा है, मीन्स आएगी बस राइट. ये आपकी बस आती है इतने बजे तक, ठीक है. When do we board the bus? The movie start at 9 o'clock. When does class begin tomorrow? So क्या हो रहा है, जब चीजें क्या हो रही है नियर फ्यूचर रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, बातें चल रही है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना. अगर आपका इवेंट जो है वो एक्शन जो है वो अभी हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है, तभी हम क्या यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. Speakers sometimes use the simple present tense to express the idea that an action is happening or is not happening now. This can be done with non-continuous verb and certain mixed verbs. हम इसको शो करने के लिए क्या यूज करेंगे, non-continuous verb और certain mixed verb का यूज करके हम शो कर सकते हैं. जैसे I am here now, okay. She is not, तो ये आपका क्या is not, ये आपका मिक्स्ड वर्ब हो गया, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या कहलाएगा, आपका मिक्स्ड वर्ब कहलाएगा. तो जब चीजें अभी हो रही हैं या चीजें अभी नहीं हो रही हैं, मीन्स अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, ही हैज हिज लाइसेंस इन हिज हैंड, डू यू हैव योर लाइसेंस विद यू एट प्रेजेंट. उसके पास उसके हाथ में लाइसेंस है, ओके प्रेजेंट में ही बात हो रही है कि क्या तुम्हारे पास अभी तुम्हारा लाइसेंस है. जहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ठीक है. ये चीजें क्लियर हुई सिंपल प्रेजेंट टेंस कि हम कब कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम तब यूज करते हैं किस, मतलब क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन रिलेटेड चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए राइट. यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर एक्शन, ओके नियर फ्यूचर जब आपका इवेंट होता है या चीजें अभी प्रेजेंट में हो रही है नाउ, अगर कोई भी इवेंट नाउ में हो रहा है, ओके व्हेन समथिंग इज हैपनिंग नाउ, ओके उस वक्त भी आप क्या यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना. आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये चीजें क्लियर हुई सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस कि हम कब कब यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस मैम, ओके सब साथ. तो कुछ एग्जाम्पल और मैं दे देती हूँ. ना जैसे अभी आपका अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस उसकी बात करें, तो पॉजिटिव सेंटेंस को आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं राइट. ये चीज तो सबको पता है, ओके तो एक चीज आप यहाँ पे रूल आप याद कर सकते हो. सिंपल टेंस की मैं बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ सिंपल टेंस की बात हो रही है, ठीक है. सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के साथ क्या ऐड हो रहा है आपका एस या ई एस ऐड हो रहा है, ठीक है. आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है आपका, उसके साथ एस ई एस ऐड हो रहा है, देन ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा मीन ऑब्जेक्ट ही मान के चलो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ क्या आपका ऐड हो रहा है एस या ई एस ऐड हो रहा है. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ एस ई एस सब जगह आप देखना. Does, forgets, circles, ठीक है. अभी फिलहाल प्ले वाले में आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे वैसे ये सिंपल टेंस ही है बट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, ठीक है. ही प्लेस क्रिकेट होता तो कह सकते थे ही प्लेस क्रिकेट, ओके. ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट, ये सारी चीज़ें क्या आप नोटिस करें सिंपल टेंस में क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आ रहा है, एस ई एस लग रहा है, ठीक है, एस या फिर ई एस लग रहा है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वहां पे सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, डू नॉट। आपने नोटिस किया होगा डू नॉट, ये देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट। नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, अभी तक हमने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड उसमें एस ई एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कभी कभी मेन वर्ब के साथ आपका एस और ई एस लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया, ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पे एस नहीं लगा है, डज वाले में ई एस लगा हुआ, ई एस, ठीक है, लीव्स वाले में एस लगा हुआ है, डज में भी ई एस लगा, फॉरगेट्स में एस लगा हुआ, मीन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आपका एस या ई एस लगेगा एंड कभी कभी नहीं लगेगा, ठीक है मैम। ये थर्ड पर्सन के साथ मतलब वर्ब में एस या ई एस लगेगा, जैसे ही सी इट नेम के साथ, इट मतलब थर्ड पर्सन होना चाहिए सब्जेक्ट। वायर भी इसमें जस्ट अ सेकंड, रिपीट करना मैम। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस वर्ब में लगेगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन। अच्छा जस्ट अ सेकंड, हाँ थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस है, यस। 1 मिनट प्लीज। ओके नाउ ये चीजें अभी क्लियर होगी सिंपल टेंस का अभी। ओके नाउ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डू नॉट लगेगा, ओके, डू या डज नॉट, सॉरी डू या डज नॉट, ठीक है, सॉरी नेगेटिव, डू नॉट एंड डज नॉट, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो। नाउ एग्जाम्पल, मैं हिंदी का कुछ एग्जाम्पल समझा देती हूँ, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ, ओके। वह हमेशा सच बोलती है, ठीक है, वह हमेशा सच बोलती है, मीन्स डेली की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। एक तरह से उसका क्या, हमेशा मीन्स एक तरह से ये क्या हैबिट भी हो सकता है आप उसका, राइट, हमेशा, राइट, वह हमेशा सच बोलते। तो यहाँ पे आपका क्या लग रहा है सुन के, सिंपल टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। एंड अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में जब बोलना होगा आपको, वह हमेशा सच बोलती है, तो वह मीन्स शी आप ले लो, हमेशा मीन्स ऑलवेज, सच बोलती है यानी स्पीक्स ट्रूथ। नाउ आपने नोटिस किया स्पीक्स, ओके, इसके साथ एस लगा है, ठीक है, SPEAKS स्पीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, ओके, वर्ब क्या है, स्पीक्स है, SPEAK प्लस एस मीन्स मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगा हुआ है, ठीक है। ट्रूथ ऑलवेज ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात है ना। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो वह हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, ठीक है, वह हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट, ओके, हिंदी फिल्म यानी हिंदी मूवीज, ठीक है, हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, देखते हैं का वॉच होगा, ठीक है। तो हम हिंदी फिल्म नहीं देखते का ट्रांसलेशन क्या है, वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। सो यहाँ पे आपने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, वी डू नॉट मीन्स मेन वर्ब, राइट, डू नॉट लगा हुआ है मेन वर्ब के पहले, आपका मेन वर्ब यहाँ पे वॉच है, ठीक है, मेन वर्ब आपका वॉच है, तो उसके पहले आपका क्या लगा है, डू नॉट, ठीक है। वी डू नॉट वॉच कौन सी मूवी, हिंदी मूवीज, ठीक है। तो हिंदी मूवीज आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ सबको कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होगा, ओके। मेन वर्ब के साथ कभी कभी एस होगा, कभी कभी ई एस होगा, ओके, एंड कभी कभी एस ई एस में से कुछ नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कौन सा पर्सन है, ठीक है। एंड देन साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट होगा, ओके, डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब होगा एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज क्लियर हुई अभी। ये चीज क्लियर हुआ अभी सबको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे रहेगा। यस मैम। नाउ अभी अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या करते, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये वाला इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला होता है, राइट, सबको तो क्लियर होगा ये चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पता होगा सबको, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता वो क्या है? यस मैम। ओके, तो नाउ अभी आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे ये देख रहे हो, डज ही लाइक टेनिस, ठीक है, डज ही लाइक टेनिस, तो यहाँ पे डू या डस लगा हुआ है, ठीक है, डू या डस साथ में सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आपका लाइक हो गया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव है तो डू या डस पहले लगा हुआ है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो डज नॉट या डू नॉट, ओके, डज नॉट या डू नॉट, ओके, डजंट ही लाइक टेनिस, डोंट ही लाइक टेनिस, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ आप देखना एक और चीज, डू और डस, डू का यूज हम कब करते हैं, जब प्लूरल होगा, ठीक है। डस का यूज हम कब करेंगे, जब सिंगुलर होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, डू का यूज हम कब करेंगे, जब प्लूरल होगा, डस का यूज कब करेंगे, जब सिंगुलर होगा। नो मैम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होगा, क्योंकि आई के साथ तो यूज नहीं कर सकते हैं डज में, आई तो सिंगुलर है। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि मैं अभी फिलहाल ये मैं यही कह रही हूँ कि बस आप ये समझ लो कि आपका डू और डस फिलहाल किस लिए यूज करते हैं, अभी पर्सन का आप मत जाओ, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन सेकंड, अभी इस पे मत जाओ आप, बस आप ये ध्यान रखो कि डू का यूज हमको जब प्लूरल होगा तब यूज करना है, डस का यूज तब करना जब सिंगुलर होगा, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल डू या डस का देख लेते हैं। यहाँ पे डू ह्यूमंस लाइक मिल्क, कैन यू सी, ह्यूमंस तो प्लूरल हो गया, राइट, ह्यूमंस प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे डू लगा है, राइट, डू ह्यूमंस लाइक मिल्क, ठीक है। तो आप बस ये याद रखना है कि डू का यूज जब प्लूरल होगा तभी यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो हम डस यूज करेंगे, ठीक है। यस ओके, तो फर्स्ट अब आपका रूल पता हो गया, क्लियर हो गया कि हम अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो रूल उसका क्या कहता है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, वर्ब के साथ आपका कभी कभी एस लगेगा, कभी ई एस लगेगा, कभी दोनों नहीं लगेगा, एस ई एस भी नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसमें डू या डज नॉट लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब रहेगा, ठीक है। नाउ अगर इंटरोगेटिव है तो स्टार्टिंग में आपका रहेगा, ओके, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका डू या डज नॉट, ओके, नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो डू या डज होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज क्लियर हुआ। मैं आपको जब आने वाला स्लाइड होगा उसमें आपको रूल्स वगैरह साथ में हिंदी वर्जन में शेयर कर देंगे, अभी बात आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये डू और डज कब यूज करना है मैडम? इंटरोगेटिव में स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पूछने वाला रहता है जब, तो उसका हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट के पहले सिंगुलर, अच्छा डू और डस, वो जब प्लूरल होगा आपका तो आप डू यूज करना। जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस आपका प्लूरल है तो हमने डू यूज किया है। ओके, ना यहाँ पे ही सिंगल पर्सन है, राइट, डज ही लाइक टेनिस, तो ये आपका क्या है, सिंगल पर्सन है, इसलिए डस, एक पर्सन। याद रखना, एस लगा तो सिंगुलर डस, एस है तो सिंगुलर डस, डस एंडिंग में एस ना, बस उससे याद रख लो दिमाग में आप, ठीक है। ट्रिक, ट्रिक बस बता रहे याद करने का कि डस है तो सिंगुलर पर्सन के लिए एस, ठीक है। ओके ओके, तो आप डायग्राम से याद रख लो, ये डायग्राम दिया हुआ है कि हमको कब कब, जब रिपीटेड एक्शन होगा, ठीक है, ये डायग्राम है, सिंपल टेंस, फैक्ट होगा, ओके कोई बदल नहीं सकता है, ओके एंड नियर फ्यूचर की जब बात हो रही है, ओके और उसके अलावा जब प्रेजेंट की बात हो रही है, जो चीज़ अभी हो रही है, ठीक है, तब आपका क्या यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया अभी सबको, इज इट क्लियर सिंपल प्रेजेंट टेंस? यस मैम। ना अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं हूँ। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम तब यूज करते हैं जब हमें एक्शन, मैंने अभी वेरिएशंस में समझाया था आपको, सिंपल पास्ट टेंस नहीं मैडम, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, सिंपल पास्ट टेंस हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ प्रेजेंट टेंस समझेंगे हम, ओनली प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के चारों वेरिएशन हम पढ़ेंगे, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट पे आएंगे हम, ठीक है। तो नाउ हमने पहला वेरिएशन तो समझ लिया, आपका दूसरा वेरिएशन क्या है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने समझा अभी कि जब चीज़ें क्या होगी, रेगुलरली होंगी, हैबिचुअली होंगी, या सिंगल कंप्लीटेड एक्शन होगी, राइट ना। अब हम किस पे आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जब एक्शन आपका क्या होगा, प्रोग्रेस में होगा, ओके ओके एक्शन जो कि गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स जब आप बोल रहे हैं तब भी एक्शन आपका चल रहा है, तो आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जो प्रोग्रेस में होगा, ठीक है। इसको हम कभी कभी प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ना, अभी समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। ओके सो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जब आपका एक्शन ऑनगोइंग एक्शन है, ठीक है, और क्या होता है, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ, ओके और क्या होता है, नियर फ्यूचर, ठीक है, जब आपका एक्शन जो है नियर फ्यूचर में है। उसके अलावा रिपीटिशन हो रहा विथ ऑलवेज, ठीक है, जब आपका रिपीटिशन हो रहा विथ ऑलवेज। ना अभी हम समझते हैं कि इसका एग्जांपल्स, ओके आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म क्या है, एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल सबको पता है, जो कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, राइट। पार्टिसिपल वो होते हैं, व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। क्या जिसमें आईएनजी लगा रहता है वही आईएनजी, वो डिपेंड करता है ना कि पास्ट पार्टिसिपल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ईडी भी तो लगता है, ईडी तो पास्ट में लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगेगा, ठीक है। पार्टिसिपल बस आप ये रखो कि वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, व्हाट इज पार्टिसिपल, वो आपका वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये चीज क्लियर है पार्टिसिपल। ना आप समझो वॉच क्या है, आपका वर्ब है, राइट वॉच क्या है आपका? वर्ब है। ये चीज तो पता है आपको। ओके, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका किस फॉर्म में होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट यू है, इज एम आर, ठीक है, और वॉचिंग आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉच प्लस आई एन जी, ठीक है, एंड टीवी आपका ऑब्जेक्ट है। ये चीज क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, आर यू वॉचिंग टीवी? नाउ अब ये इंटरोगेटिव है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव में आर यू होगा। जैसे आपने सिंपल टेंस में देखा था डू, राइट, डू या डस, राइट, यहाँ पे क्या है? आर है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर यूज किया गया है। ठीक है, डू यू लाइक वॉचिंग टीवी और डू यू वॉच टीवी। ओके, एम इज आर तीन यूज करने का है मैडम। एम इज आर जब आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताना हो कि मतलब जब आपका एक्शन को एक्सप्रेस करना है कि वो ऑन गोइंग एक्शन है, एक मीन्स प्रोग्रेस में, जो चीजें अभी चल रही हैं, मीन्स वो पास्ट में भी नहीं है, प्रेजेंट फ्यूचर में भी नहीं, वो चीजें चल रही हैं, प्रोग्रेस में है। ठीक है, यू आर वॉचिंग टीवी मीन्स वो अभी टीवी देख रहा है, प्रोग्रेस मीन्स वो टीवी कब तक देखेगा, ये चीज है ना, वो टीवी कब तक देखेगा मीन्स आपका जो है प्रोग्रेस कंटिन्यूअस। ओके, यू आर वॉचिंग टीवी जो कंटिन्यूएशन में हो, जो चीजें। वो टीवी देख रहा है, वो टीवी देख रही है, ठीक है, रहा है, रही है, ये सब क्या आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है मैडम। देखो, जब आप क्वेश्चन पूछोगे आप, तब आप स्टार्टिंग में यूज करोगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा तो वहां पे आप मैडम सब्जेक्ट आपका यू है, ये ना यू, हाँ, तो उसकी जगह अच्छा 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 ये इंटरोगेटिव है ना, ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। हाँ, अगर इंटरोगेटिव नहीं होगा तो पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर होगा, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इज एम आर सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, राइट, ये चीज पता है। यस, ओके, ये ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा था, रिमेम्बर? कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं? 24। ओके, यस मैम। तो आपका यहाँ पे क्या है? मिक्स्ड वर्ब एक तरह से आपका यहाँ पे हो रहा है, राइट, ये दोनों को कंबाइंड अगर देखा जाए तो आपका मिक्स्ड वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल तो जरूरी नहीं कि वो वर्ब ही होगा, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपल लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ब, वरना यहाँ पे लिखता कि इज एम आर प्लस मेन वर्ब, ऐसा लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहा है। ठीक है, सो ये क्या है आपका? नाउ सो आपका रूल क्या कहता है? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कुछ भी होगा, प्लस वर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर है? रूल सबको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ओके, अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव होगा तो आर इज एम आर आपका पहले यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अभी अब हम इसको समझते हैं कि हम कब कब यूज करते हैं। जब ऑनगोइंग एक्शन होगा, ठीक है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विथ नॉर्मल वर्ब्स to express the idea that something is happening now at this very moment. It can be used to show that something is not happening now. ये express कर means उन चीजों को express करने के लिए जो चीजें अभी हो भी रही हैं इस present moment में, या चीजें नहीं भी हो रही इस present now। आप ये इसको confuse कर सकते हो इसके साथ। अभी हमने चीजें पढ़ी थी यहाँ पे, is happening now, ये चीज, right, इज हैपनिंग नाउ, इज नॉट हैपनिंग नाउ, दोनों चीज सेम बता रहा है राइट बट आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में हो, मीन्स ऑनगोइंग एक्शन, चीजें अभी रुकी नहीं है, ठीक है, वो अभी चलती जाएगी, ठीक है। यू आर लर्निंग टेंसेस नाउ, आप टेंसेस पढ़ रहे हो, ओके, आप टेंसेस पढ़ रहे हो मीन्स ये भी प्रोग्रेस में है। टेंसेस आप आज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे राइट, अभी पढ़ रहे हो, प्रोग्रेस में है आपका राइट। यू आर नॉट प्लेइंग नाउ, आर यू स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, दे आर रीडिंग देयर बुक्स, दे आर नॉट वॉचिंग द मूवी, वॉट आर यू डूइंग, वाई आरंट यू डूइंग योर वर्क। सो यहाँ पे क्या है, समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ और समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग नाउ एट दिस वेरी मोमेंट, बट वो प्रोग्रेस में है। लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ, इन इंग्लिश नाउ कैन mean right now, today, this month, this year, this century and so on. Sometimes we use present continuous to say that we are in the process of doing a longer action which is in progress, however we might not be doing it at this exact second, ठीक है। वही सेम चीज है कि longer action के बारे में ही बात करें, कभी कभी हम now को use करते हैं क्या शो करने के लिए, right now या आज या this month, this year, दिस सेंचुरी एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं ओके ना, आई एम स्टडिंग टू बिकम एन इंजीनियर, ओके, ये प्रोग्रेस में, अभी वो इंजीनियर बना नहीं है, प्रोग्रेस में इंजीनियर बनने के लिए, ओके। लॉन्गर एक्शन है यहाँ पे राइट, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नाउ। आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, वो किस लिए स्टडी करा है, पहला वाला था कि वो स्टडी करा इंजीनियर बनने के लिए, बट वो प्रोग्रेस में है। आई एम नॉट स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, ही इज नॉट स्टडिंग मीन्स वो भी प्रोग्रेस में, मीन्स किसी और चीज के लिए वो पढ़ाई कर रहा है राइट, पर वो डॉक्टर के लिए नहीं पढ़ रहा है, किसी और चीज के बारे में हो रहा है, बट वो प्रोग्रेस में है। आई एम रीडिंग द बुक एमा, मीन्स उसने बुक रीडिंग, मतलब एमा जो बुक का नाम है वो रीडिंग कर रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोग्रेस में है। I am not reading any reports right now. Are you working on any special projects? Sab jo whose mic is on? Madaki, okay. So ये चीजें क्या हुई, जो चीजें प्रोग्रेस में वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ना अगर नियर फ्यूचर है तब भी हम यूज करेंगे। Sometimes speaker use the present continuous to indicate that something will or will not happen in the near future, okay? वहाँ पे क्या था near future का, near future ये था, ये चीजें हमने पढ़ी थी। शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर मीन्स वो चीजें होती है, शेड्यूल्ड इवेंट नियर फ्यूचर मीन्स वो चीजें होती रहती है, ठीक है ना। ये चीज इसमें क्या है, नियर फ्यूचर का चीजें जो होंगी, विल और विल नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर, बट ऊपर वाले में क्या था, वो शेड्यूल्ड था राइट, ये शेड्यूल्ड नहीं है ओके प्रेजेंट वाला क्या था, शेड्यूल्ड इवेंट इन नियर फ्यूचर, बट ये शेड्यूल्ड इवेंट नहीं है। ये चीज क्लियर है सबको। आई एम मीटिंग सम रिलेटिव्स आफ्टर वर्क, आई एम नॉट गोइंग टू द मूवी दिस वीकेंड, इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट टू नाइट, इजंट ही कमिंग विद अस टू नाइट, ओके। तो नियर फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रही है ओके। प्रेजेंट टेंस में जो आपने पढ़ा तो वहाँ क्या था, वो शेड्यूल्ड था कि हाँ बस आती है राइट जो एग्जाम्पल आपने देखा था वो शेड्यूल्ड इवेंट था, मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा था कि बस तो आती है डेली राइट, द बस अराइव्स टू नाइट एट 8 PM, द बस डज नॉट अराइव्स एट 8 AM, इट अराइव्स एट 8 PM, जो शेड्यूल्ड इवेंट है बस उसके बारे में बात हो रही है इन द नियर फ्यूचर, बट यहाँ पे ये शेड्यूल्ड नहीं है, कंफर्म नहीं है, विल और विल नॉट हैपन वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है नाउ। रिपीटिशन विद ऑलवेज, the present continuous with words such as always or constantly express ideas that something irritating or shocking often happens. Noted that meaning is like simple present but with negative emotions. Remember to put the word always or constantly between be and verb plus ing. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि आपको always या constantly का यूज कैसे करना है, इनको किनके बीच रखना है, be और verb plus ing के बीच में रखना है। जैसे she is always coming to work late. Now is एक तरह से be का फॉर्म है, राइट, प्लस ये क्या है आपका always, ठीक है, और ये क्या है आपका वर्ब, वर्ब कम प्लस आईएनजी कमिंग, ठीक है। तो इन दोनों के इज और कमिंग के बीच में आपका ऑलवेज है, ठीक है। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, कॉन्स्टेंटली किसके बीच में, इज और टॉकिंग के बीच में है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन विद ऑलवेज, रिपीटिशन विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद वर्ड, जब वहाँ उस वर्ड में आपका ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली होगा तो शो क्या करेगा कि कुछ शॉकिंग होता रहता है, ऑफन हैपेंस, ओके। यहाँ पे ये चीज नेगेटिव शो करती है, नेगेटिविटी शो करती है, ठीक है। शी इज ऑलवेज कमिंग टू वर्क लेट मीन्स उसका नेगेटिव पॉइंट शो कर रहा है, राइट। ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग मीन्स वो लगातार बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं। आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, यहाँ पे भी नेगेटिव इमोशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज करना है, जब आपका एक्शन प्रोग्रेस में हो, ओके, जब आपका प्रोग्रेस में हो, लॉन्गर एक्शन जब हो, ठीक है। उसके अलावा और कब यूज करना है, नियर फ्यूचर में हो मीन शेड्यूल्ड नहीं हो, और जब ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली होता है यूज और नेगेटिव इमोशन शो करता है, उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, आकाश में बादल उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोग्रेस में है, राइट। द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई, आर ओके, द क्लाउड सब्जेक्ट हुआ, आर आपका क्या हुआ, इज एम आर है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आर आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस प्लस क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फ्लोटिंग, ओके, फ्लोटिंग इन द स्काई, इन द स्काई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ सबको। नाउ नेक्स्ट है एक, आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ रहे हैं, ये सब क्या है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट होगा एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। ये चीज क्लियर हुआ रूल सबको। अगर इंटरोगेटिव है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे होगा इंटरोगेटिव में, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, क्लियर हो गया। Is it clear? समझ में आ रही है? कोई ऐसा पोर्शन एनीवन जो समझ में नहीं है, ऐसा कोई पोर्शन? ओके, एक ट्रांसलेशन आप करना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इंटरोगेटिव है लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, Why are you shouting? Why are you shouting? शाउटिंग चिल्लाना हुआ, राइट, शाउटिंग। तो Why are you screaming? Why are you? Screaming? तुम शोर क्यों मचा रहे हो? तो सबसे पहले कन्वर्जन आप करें, तुम होगा तो मतलब यू, ओके? शोर है मतलब नॉइज होगा, ठीक है? क्यों यानी वाई, मचा रहे हो मीन्स मेकिंग, ओके? आर यू मेकिंग करके यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे वाई आर यू मेकिंग और नॉइज आप कह सकते हैं। और वाई ठीक है, तो वाई आर यू मेकिंग नॉइज ये कह सकते हैं आप लोग। शोर का ट्रांसलेशन नॉइज होगा, शोर का ट्रांसलेशन नॉइज होगा। वाई आर यू मेकिंग नॉइज, ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. अगर ये होता तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बट यहाँ पे बोला तुम शोर क्यों मचा रहे हो का भी तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये चीजें समझ में आई, ट्रांसलेशन इसका। वाई आर यू शाउटिंग होता तो तुम शोर, वाई आर यू शाउटिंग, ऑलमोस्ट वो भी सही है, बट मचा रहे हो का मेरे ख्याल से कन्वर्जन है यहाँ पे। वाई आर यू शाउटिंग का होता तुम शोर क्यों, शाउटिंग मैडम शाउटिंग होगा या क्या नॉइस होगा मैडम? तुम चिल्ला क्यों रहे हो ऐसा होता है ना, अगर वाई आर यू शाउटिंग बोले तो चिल्लाना जी, शाउटिंग नॉइस मतलब शोर का, तो वही मैं स्टार्टिंग से वही बोली कि शोर तो नॉइज ही होगा, शाउटिंग मतलब चिल्लाना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर शाउटिंग आप लोग बोले वाई आर यू शाउटिंग, तो यहाँ पे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तो वाई आर यू मेकिंग नॉइज होगा, ठीक है? क्लियर है सबको? मचा रहे हो का ट्रांसलेशन है मेकिंग नॉइज, ठीक है? नो रिस्पॉन्स, यस और नो, अब लोग बोलो तुम शोर क्यों मचा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। सही लग रहा है सबको कि मतलब अभी भी सबको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं मैम सही है, बना मेकिंग मतलब कि हो क्यों रहा है, कट मतलब सही है मेकिंग। तो वाई आर यू शाउटिंग अगर होता चिल्ला क्यों रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तुम शोर क्यों मचा रहे हो क्वेश्चन है, तुम शोर क्यों मचा, तो वाई आर यू मेकिंग नॉइज होगा, ठीक है? तो ये आपका क्या है, प्रोग्रेस में है ये चीजें, राइट? प्रोग्रेस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, बस आप ये याद रखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब चीजें प्रोग्रेस में हो हम तभी यूज करते हैं, ओके? नियर फ्यूचर में भी हो जो चीजें, लेकिन अगर शेड्यूल्ड इवेंट इन नियर फ्यूचर होगा तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, वरना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे ना। अब हम तीसरा वेरिएशन पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, जब आपका एक्शन क्या होगा, दैट बिगेन इन द पास्ट इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट टाइम्स, राइट? जब आपका एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा लेकिन वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट तक कंटिन्यू कर रही है, राइट? तो आपका क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट present perfect. Just a second. 10. Let me check which one is this. मैं वेरिएशन से फिर से आती हूँ। तो हमने अभी दो वेरिएशंस पढ़े, मैं फिर से वो समझा दूँ, उसके बाद हम थर्ड वेरिएशंस पे आते हैं। ओके तो हमने दो वेरिएशंस पढ़े, एक सिंपल टेंस का, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने पढ़ा, राइट। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस पे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब आपका एक्शन या सिचुएशन क्या हो रहा है, पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट तक उसको कंटिन्यू किया गया, या फिर आपका एक्शन जो है वो जो प्रेजेंट में जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, लिंक है आपके पास्ट से, ठीक है। तो आपका क्या होगा, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं, जब आपका एक्शन किससे लिंक होगा, पास्ट से। ओके सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्म है, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज हैव होगा, उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक तरीके से, राइट, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ एग्जांपल, यू हैव सीन दैट मूवी मेनी टाइम्स, यू सब्जेक्ट, हैव बीन, राइट, सॉरी हैव सीन, ओके, हैव प्लस सीन आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, दैट मूवी मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पोर्शन आ गया, ठीक है, प्रेडिकेट, ओके। सो अब क्या होगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव है ये, राइट, पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव और लास्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस है, ओके। सो हम सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे हैव पहले यूज हुआ है, देन सब्जेक्ट, देन आपका पास्ट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ कुछ और चीजें ऐड ऑन, उसको एटसेट्रा मान लो। नेक्स्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस, यू हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट सीन दैट मूवी मेनी टाइम्स। नाउ हमने जब वर्ब पढ़ा था, किसी को याद होगा कि जब सिंगल पर्सन होगा तो हम वर्ब प्लूरल में यूज करते हैं, राइट, ये चीजें याद है सबको, कि आपका वर्ब जैसे सिंगल पर्सन है तो वहां पे हम हैव यूज कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है। जैसे यू सिंगल पर्सन, यहाँ पे हैव यूज किया, हैज नहीं यूज किया है, वर्ब के टाइम पे हमने पढ़ा था ये चीज, थर्ड फॉर्म यूज करना होता है ना मैडम हमें, जी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन भी है यहाँ पे, यू आपका थर्ड पर्सन है, राइट, सॉरी सेकंड पर्सन, यू आपका सेकंड पर्सन है, ही सी आपका थर्ड पर्सन, ही शी है, ओके। ना अभी हम कब यूज करते हैं इसको, ये समझते हैं। अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, ना इसको समझते हैं। We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. You cannot use the present perfect with specific time expressions such as yesterday, 1 year ago, last week, when I was a child, one day, etc. We can use present perfect with unspecified expressions such as ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, at, etc. So, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट, ये होता है, तो जो कि आपका पास्ट से लिंक है, ओके, पास्ट से आपका लिंक है और आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से लिंक है, तो आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनस्पेसिफाइड टाइम, जब आपका एक्शन जो होगा क्या होगा, जब आपका एक्शन क्या होगा, किसी पॉइंट पे कंप्लीट हुआ होगा पास्ट में बिफोर नाउ, ओके, बिफोर अनदर एक्शन वाज कमेंस्ड। ओके, जब आपका दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, वो एक्शन जो है कहीं कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, परफेक्ट सेंटेंस मतलब मैडम समझ में नहीं आ रहा है, परफेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है। यस मैडम। ओके, सबसे पहली बात बस ये आप याद रखें कि जब आपका पास्ट से लिंक हो, बस आप इतना याद रखो, आपका प्रेजेंट आपके पास्ट से लिंक हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल आप हिंदी में हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, ये आपका पास्ट से रिलेटेड है, मीन्स वो खाना खा चुके हैं, राइट। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम खाना खा चुके हैं। वी हैव ईटन फूड, वी हैव ईटन फूड, खाना खा चुके हैं। जस्ट अ सेकेंड, जी मदाकी बोलिए। हो गया ना मैडम, वो क्या पास्ट हो गया ना मैडम। हाँ, तो आपका पास्ट से जब लिंक हो, लेकिन प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं उसकी, पास्ट से लिंक हो बट प्रेजेंट में आप उसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके मीन्स वो प्रेजेंट में बता रहे हैं, राइट, प्रेजेंट में बता रहे हैं ना कि हम खाना खा चुके हैं, लेकिन वो खा चुके हैं कब, खाना खाए, पास्ट में खाना खाए हैं, राइट। पास्ट की बात तो प्रेजेंट में बता रहा है। हाँ, पास्ट की बात तो प्रेजेंट में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब आपका एक और एग्जांपल दीजिए, एक और एग्जांपल। ओके, राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है, किसी ने उसे, ये सेकंड पर्सन से जो बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि राम घर जा चुका है, मैं अभी आपको तुरंत बता, आपने मुझसे पूछा कि राम कहाँ गया, तो मैं बोलूँ कि राम घर जा चुका है, तो आपने प्रेजेंट में मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको बताया कि राम घर जा चुका है, मीन्स वो जा चुका है, वो पास्ट में चला गया, मीन्स घर वो पहुंच चुका है ऑलरेडी, राइट। ओके, और कोई एग्जाम्पल समझे हैं, एक और एग्जाम्पल। वाई, पुलिस राघव को क्यों गिरफ्तार कर चुकी है। ओके, वाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव, मीन्स राघव ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट वो प्रेजेंट में उसकी बात हो रही है। ठीक है, वाई हैज पुलिस अरेस्टेड राघव, समझ में आया सबको कि आपका जब लिंक किससे हो रहा है, पास्ट से, बट आप उसमें प्रेजेंट में उसके बारे में बात कर रहे हो। क्लियर हुआ अभी? यस मैडम। ओके, तो अभी आप समझो अनस्पेसिफाइड टाइम मीन्स कब वो कब घर जा चुका होगा, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कब उसको अरेस्ट किया होगा कुछ स्पेसिफिक टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब ना, अब आप यहाँ पे फिर से पढ़ना। We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified time before now. Okay, unspecified time में हुआ होगा। Okay, the exact time is not important. वो exact time important नहीं है। Means राम कितने बजे घर गया वो सब नहीं देखा गया, right? You cannot use the present perfect with specific time expression. जैसे yesterday, 1 year ago, last week. When I was a child, one day, etc. ये कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं ना, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, I have seen that play 20 times means उसने वो प्ले ऑलरेडी 20 बार देख चुका, लेकिन प्रेजेंट में उसकी बात कर रहा है, राइट। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर, मीन्स आप नोटिस कर रहे हो कि स्पेसिफिक टाइम नहीं दिख रहा है कहीं पे कि मतलब वो 20 टाइम्स उसने कल देखा था, 1 साल पहले देखा था, पिछले हफ्ते देखा था, 1 दिन पहले देखा था, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है. एस्टरडे, 1 year ago, लास्ट वीक, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वन डे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, राइट? कैन यू सी ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन. ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट को स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो आई हैव सीन दैट प्ले 20 टाइम्स, उसने कब वो 20 टाइम्स देखा होगा इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है. एग्जैक्ट टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ, मतलब यहाँ पे बस अनस्पेसिफाइड टाइम जब होगा तो आप क्या यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट. पहला क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का ना. अब कब और यूज कर सकते हैं? जब एक्सपीरियंस हो, ओके, एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे. इट इज लाइक सेइंग आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ. यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेंस टू से दैट यू हैव नेवर हैड अ सर्टेन एक्सपीरियंस. द प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक. ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक इवेंट के डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना, जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो, आई हैव बीन टू अलास्का. ओके, वो अलास्का जा चुका, वो अपना बता रहा है वो चीज, राइट? कि उसने अपने एक तरह से क्या एक्सपीरियंस ही शेयर किया, राइट? कि उसको फर्दर अगर स्टेटमेंट जोड़ा कि अलास्का इज वेरी गुड सिटी, ऐसा करके वो फर्दर आगे बोलेगा, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे वो ऑलरेडी जा चुका है, राइट? आई हैव नेवर बीन टू जापान, मीन्स यहाँ पे भी आप नोटिस करो कि वो गया नहीं, हो सकता है उसको जाना हो. तो यहाँ पे क्या, बस आप ये याद रखो कि जहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस, या आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा वो चीज़, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो वो चीज़. ओके, आप अलास्का जाने का एक्सपीरियंस कर चुके, आप जापान जाने का एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक. ये चीज़ क्लियर हुआ? तो जब एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें भी होंगी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे. आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. हिंदी में कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, जैसे अभी मैंने गॉन वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट? राम हैज गॉन टू होम, याद है? अभी मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बताया था. किसी स्पेसिफिक इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, बस आप ये याद रखो. यहाँ पे भी स्पेसिफिक इवेंट, जैसे आपने देखा, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज नहीं किया जाता, राइट? यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट विथ स्पेसिफिक टाइम. ओके, जब स्पेसिफाइड नहीं है तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं. वी ऑफन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू. ओके, कोई स्पेसिफिक टाइम आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, राइट? The government has become more interested in poverty removal. Mandarin has become one of the most popular language course at the university since the Asian Studies program was established. My English has really improved since I moved to America. So यहाँ पे आप बस एक चीज क्लियर कर लो कि जब स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं. क्लियर मैडम? ये have और has कब यूज करना है? मतलब वही प्लूरल, और जैसे डज और डू वाला था, हाँ वही सेम चीज इसका भी है. हैज और हैव कब यूज करना है? तो हैव सिंगल के साथ मैडम, हैज सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जी, हैज प्लूरल प्लूरल. नहीं मैडम, एक बार डबल से रिपीट कीजिए. नहीं, दैट डिपेंड्स एक्चुअली. ओके, हैज हैव का थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा कि हमें कब. ओके, बट डू और डज वाले मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, डू एंड डज वाले, राइट? वो वाला क्लियर होगा. बट हैज हैव वाले सिंगल के साथ हैव होना है. ओके, हैज कभी कभी हैज भी यूज होता है, कभी कभी हैज भी यूज होता है। ज्यादातर सिंगल के पास आई हैव, यू हैव, ओके, एंड बट जब जैसे माई फादर हैज, नाउ एक और एग्जांपल, पीपल हैव, दैट डिपेंड, ओके, दैट एक्चुअली डिपेंड कि हमें जुमले के हिसाब से। मैडम जुमले के हिसाब से चेंज हो रहा है क्या? मैं एक्चुअली आपका ये डाउट क्लियर कर रही थी कि आपको हैज कब यूज करना है, क्योंकि मैडम उसमें पहले से भी प्रॉब्लम होता है। हैव आप जैसे आई यू वी वाला चीज वही चीज था, जैसे पर्सन रिलेटेड थर्ड पर्सन वाला, वही सेम चीज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर क्लैरिटी थोड़ा चाहिए, ठीक है, कि हैव का यूज हम तब करेंगे जब आप आई यू वी यूज कर रहे हो या दे यूज कर रहे हो, और हैज का यूज जब शी ही इट यूज होगा। ओके ओके, फिलहाल अभी यही कह सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखो कि गवर्नमेंट, पीपल, ये चीज आप जब देखोगे तो यहाँ पे दी गवर्नमेंट हैज यूज हुआ, लेकिन पीपल वाले एग्जाम्पल में हैव यूज हुआ है। पीपल हैव कम टू सी अस, या द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इंटरेस्टेड इन पॉवर्टी रिमूवल। हैव के साथ आई यू वी दे, हाँ, हैव आई यू वी और दे है, ठीक है, और ही शी इट जब रहेगा तो हैज यूज करेंगे। सिंगुलर भी है, या आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके 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 ओके, देन नाउ अभी और चीजें जब करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी बाकी चीजें भी। और कब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट? जब कुछ अकम्प्लिशमेंट, ओके, किसी पर्सन या इंडिविजुअल की कुछ उसने हासिल किया हो, ओके, कुछ मुकाम हासिल किया हो उसने, तब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे एग्जांपल में। बट हाँ, बस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में इतना याद रखना है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ओके, मून है, सॉरी, मैन हैज वॉकड ऑन द मून, ओके, मैन हैज वॉकड ऑन, ये एक तरह से अकम्प्लिशमेंट है ह्यूमैनिटी की। जॉन हैज लर्नड हाउ टू रीड, मींस जॉन एक तरह से उसकी अकम्प्लिशमेंट है, इंडिविजुअल यानी जॉन की अकम्प्लिशमेंट है कि उसने सीख लिया कैसे पढ़ना है। डॉक्टर्स हैव क्योर्ड मेनी डेडली डिजीज, ये भी एक तरह से अकम्प्लिशमेंट है, राइट। सो साइंटिस्ट हैव स्प्लिट द एटम, ये भी एक तरह से अकम्प्लिशमेंट है। तो जब भी अकम्प्लिशमेंट मतलब तो पता है सबको कि जब कोई मुकाम या कुछ अचीव कर लिया हो, राइट, अकम्प्लिशमेंट मतलब तो पता है सबको, राइट, जब कोई मुकाम या उपलब्धि कुछ हासिल कर ली हो आपने, ओके, तब आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ an uncompleted actions you are expecting, okay, we often use present perfect to say that an action which was expected has not happened, means जो चीजें सोचा गया था कि ऐसे होना चाहिए था बट वो चीज नहीं हुई, तब भी आप क्या यूज करोगे? present perfect tense। present perfect tense suggests that we are still waiting for the action to happen, okay, we are still present perfect tense। जैसे आपने continuous में पढ़ा था वो progress में जो action होता है, right, but यहाँ पे क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? क्या है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, और क्या है, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द एक्शन टू हैपन, मीन्स प्रोग्रेस में है कि नहीं इसका कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रोग्रेस में है कि नहीं इसका कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ओके। सो टीना हैज नॉट फिनिश्ड हर असाइनमेंट एट, जेरी हैजंट मास्टर्ड फ्रेंच बट he can communicate, the package has still not arrived। so यहाँ पे क्या हो रहा है, an action which we expected has not happened, जो expect कर रहे थे वो चीज नहीं हुई, okay, the rain hasn't stopped। so ये चीज clear हुआ आपको। and उसके अलावा और कब use करेंगे present perfect? multiple action at different times, जब कई सारे action अलग अलग time पे हो रहे हैं तब भी आप क्या use करेंगे? present perfect tense। okay, time is also running, let me देखिए how much, okay, just a second, let me check, okay, इसको कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देन इसका जो डाउट होगा आपका वो पूछ लेते हैं। ओके, यहाँ पे जब आपका मल्टीपल एक्शन क्या होगा, डिफरेंट टाइम्स पे हो रहा होगा, तब भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नाउ we also use the present perfect to talk about several different actions which have occurred in the past at different times. Present perfect suggest करता है कि प्रोसेस आपका complete नहीं है और more actions और भी actions होने के chances हैं, okay? The army has attacked that city 5 times, okay? I have had 4 quizzes and 4 tests so far this semester. Means कई सारे actions different times पे हो रहे हैं, multiple action है different times. We have faced many problems while working on this project. She has talked to several specialists about her problem, but nobody know why she is sick. Now, can you tell me second वाला जो question है, sorry second question नहीं, last statement. She has talked to several specialities about her problems, but nobody know why she is sick. यहाँ पे मल्टीपल एक्शन क्या क्या है आपका, पहला एक्शन ये कि उसने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, बात किया सेवरल स्पेशलिस्ट से। दूसरा एक्शन क्या है कि कोई भी मतलब किसी को भी नहीं पता था कि वो बीमार है, राइट, बट नोबडी नो व्हाई शी इज सिक। नेक्स्ट है आपका, बस आप ये हेडलाइन याद रखे रहना कि जब मल्टीपल एक्शन डिफरेंट टाइम्स में हो रही है तब भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट द आर्मी हैज अटैक्ड, ओके, दैट सिटी 5 times. आई हैव हैड 4 quizzes and 5 tests so far this semester. वी हैव फेस्ड, नाउ कैन यू सी ईडी लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, राइट ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। फॉर्म फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका क्या है, हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल है आपका। नाउ नेक्स्ट, time expressions with present perfect. When we use present perfect, it means that something has happened at some point in our life before now. Remember, the exact time the action happened is not important. वही specific time वाली बात हो रही है। Sometimes we want to limit the time we are looking in for an experience. We can do this with expressions such as in the last week, in the last year, this week, this month, so far, up to now, etc. So time expression, okay, time के बारे में जब बात हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ उसको प्रेजेंट परफेक्ट के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क इन द लास्ट 2 years? ओके, आई हैव सीन दैट मूवी 3 times इन द लास्ट फोर्टनाइट। दे हैव हैड 3 tests इन द लास्ट वीक। माई कार हैज ब्रोकन डाउन 3 times दिस वीक। सो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, समथिंग हैज हैपेंड एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ बिफोर नाउ, ओके। तो यहाँ पे देखो कि इससे पहले ही, हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क इन द लास्ट ईयर्स मीन्स क्या पिछले 2 साल में तुम कभी भी न्यूयॉर्क गए हो, ओके। समथिंग हैज हैपेंड एट सम पॉइंट इन आवर लाइफ बिफोर नाउ, रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, ये चीज वही चीज है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है। Sometimes we want to limit the time we are looking for in an experience. We can do this. Okay, ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है, बट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख गया होगा ये चीज़ कि हम ये स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं इन द लास्ट 2 years, इन द लास्ट फोर्टनाइट, इन द लास्ट वीक, दिस वीक। जब ये सब वर्ड मीन्स टाइम को एक्सप्रेस करा, राइट, ये सब आपका क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, राइट। तो इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब चीज़ें आप टाइम को एक्सप्रेस कर रही हैं तो उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट नोट करने की बात है यहाँ पे। लास्ट ईयर एंड इन द लास्ट ईयर आर वेरी डिफरेंट इन मीनिंग। लास्ट ईयर मीन्स ईयर बिफोर नाउ एंड इट इज कंसिडर स्पेसिफिक टाइम विच रिक्वायर सिंपल पास्ट टेंस। ओके, in the last year means from 365 days ago until now it is not considered specific and so it requires present perfect tense। okay, so आपने notice किया कि last year अगर होता तो simple past tense होता। okay, क्यों simple past tense होता? क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, मीन्स एक specified time की बात हो रही है। ठीक है, specific time है ना। in the last year ये specific time नहीं है, means इट इज नॉट कंसिडर्ड स्पेसिफिक टाइम। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि आज से 365 दिन अब तक, मीन्स अभी तक जो है बोल रहा है कि इन द लास्ट ईयर मीन्स अभी तक जो है तुम कभी भी पिछले से, जैसे आई वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर एंड आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क इन द लास्ट ईयर। सो आप पहले वाले में देखोगे कि ये जो है लास्ट ईयर मीन्स आज से कुछ साल पहले जो है वो नहीं, पिछले साल वो न्यूयॉर्क गया था। बट आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क इन द लास्ट ईयर, बट कोई स्पेसिफिक टाइम यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो है कि कब वो लास्ट ईयर में कब गया था वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट अंटिल नाउ विथ नॉन कंटिन्यूस वर्ब एंड नॉन कंटिन्यूस यूज ऑफ मिक्सड वर्ब। वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू नाउ। वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे बता दिया है कि जो चीज लिंक कर रहा है पास्ट को, ठीक है, एंड प्रेजेंट में उसके बारे में बात हो रही है। फॉर 5 मिनट, फॉर 2 वीक्स, सिंस ट्यूजडे, और ऑल ड्यूरेशन विच कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे आई हैव हैड अ फ्लू फॉर 2 वीक्स, शी हैज बीन इन सिडनी फॉर 6 मंथ्स, शीना हैज लव चॉकलेट सिंस शी वॉज अ लिटिल गर्ल। सो ये क्या था? ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ। ओके, सो आपका जब ये स्टेटमेंट मीन्स वर्ड होगा, जब ये एक्सप्रेशंस होंगे फॉर 5 मिनट, फॉर 2 वीक्स, सिंस ट्यूजडे, तो उस वक्त आप क्या यूज़ करोगे? पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आपने 3 चीज़ें पढ़ी, 3 वेरिएशंस पढ़े। ठीक है, लास्ट वेरिएशंस कल पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के। ओके, सो किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो कौन सा सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल? प्रेजेंट परफेक्ट क्या? रिपीट करना आप क्वेश्चन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेरा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है या फिर वर्ब का या सेकंड फॉर्म? थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म जी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं पहचान क्या? वही ईडी वाला, पास्ट पार्टिसिपल ईडी। ओके, कुछ जैसे आपने सुना होगा रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स आपने सुने थे? यस मैम। ओके, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे जैसे गॉन आपने देखा होगा। गॉन वो आपका क्या होगा? इरेगुलर वर्ब्स में आ जाएगा, राइट? ओके, और एक एग्जांपल और बता देते हैं आपको। अरेस्टेड जैसे था, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ईडी लगा हुआ है। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका ईडी। वर्ब का पहला फॉर्म क्या है? नॉर्मल, जैसे आप वर्ब जो सुनते हो, राइट? यस मैम। सेकंड फॉर्म है आपने 3 फॉर्म्स पढ़े थे, राइट? पहला फॉर्म था आपका जो रूट वर्ड होता है, राइट? सेकंड वाला पास्ट एक तरह से होता है, थर्ड वाला पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, फोर्थ वाला आईएनजी फॉर्म होता है। ओके, सेकंड वाला हमेशा पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो होता है सिंपल पास्ट होता है वर्ब का। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं टेंसेस में वर्ब का सिर्फ फर्स्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो फॉर्मूले हैं उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म मैक्सिमम यूज हुए। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज दे रहे हैं क्योंकि वो सिंपल पास्ट होता है। वर्ब का जो सेकंड होता है फॉर्म होता है वो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। और वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म एक तरह से या आईएनजी फॉर्म जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक तरह से, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगता है, राइट। ये तो क्लियर होगा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है, जिसमें आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी होगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज, और कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, हम कल फिर से पढ़ेंगे। अभी हमने 3 वेरिएशंस पढ़े हैं, कल 4th वेरिएशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि हमारा सिंपल टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इजीली कवर होगा जब चारों वेरिएशंस हमारे क्लियर होंगे, ठीक है। ओके देन लेट्स एंड द क्लास। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा सेंटेंस ट्रांसलेशन का। ओके मैम, बाय बाय।